नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो लेके आया हूँ गांव राजली जिला हिसार से लेके आया हूँ और ये गांव बरवाड़ा के लगता हुआ गाँव है भाई। काफ़ी शानदार वीडियो सभी भाइयों के समक्ष लेके आया हूँ। यहाँ से इस गांव से काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपनी आई है, बहुत ही बढ़िया पशुधन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। आज फिर लेके आया हूँ दूसरे ब्यांत की जोटी, बाकी जानकारी मैं भाई से लेऊँगा। बहुत ही बढ़िया मेरे ख्याल में पढ़ाई भाई ने अच्छी की होगी, क्योंकि एक अच्छा काम करने वाला भाई है। फार्म पर आके देखा तो गाय उसी फार्म पे मिलेगी भाई जो बढ़िया काम करने वाला है। गौ माता जरूर रखे करो, मैं तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा। तो भाई साहब राम राम। राम राम रमेश भाई। और ठीक ठाक है भाई? सारे ठीक है भाई। क्या नाम है भाई अपना? दीपक नाम है रमेश भाई। दीपक भाई अपना नाम है। अपना कोई सेल परचेज का काम तो ना? कोई सेल परचेज का अपना घरों पर तैयार करा सारी। हाँ, अपनी घर की जोटी है यार। नहीं जी ठीक है, बात एक बार खोलोगे थोड़ा सा? हाँ जी खोल ले। तो बोले भाई साहब इसके बारे में, इसकी डिटेल दें। या सेकंड टाइमर है रमेश भाई। सेकंड टाइमर जोटी भाई साहब। हाँ, 15 किलो दूध तैयार है। 15 किलो दूध तैयार है। कितने दिन की ब्याई में भाई? 14 दिन की ब्याई होगी। 14 दिन की ब्याई में। कोई टिक्का टाक्का कौन से की? खुद जोटी है जो ये। या 72850 की बेटी है। 72850 की बेटी। एचएलडीबी का। और जो साथ में कटड़ी आई भाई साहब, या तूफान की बेटी है? ये तूफान की बेटी है। तो मैंने पहले ही बोला भाई काफी अच्छा काम करने वाला भाई है, सारे रिजल्ट सभी भाइयों के सामने मिलेंगे। थोड़ा लंबा लेके जाए उसी साइड में, और थोड़ा सा थना पैर है भाई साहब। यार बच्चन मूला है। बच्चन मूला है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा पूरी डिटेल में लेके दूंगा सभी भाइयों को। थोड़ा बच्चा ने मुँह लगा दिया, थोड़ा उसी साइड में लेके जाए देखें। बिल्कुल रिंग सींग में, छोटे सींग में, लंबी गर्दन। तो नीचे से मैं पूरी तरह से आऊँगा तो आप देखें। मुट्ठी के कार के थन है तो चुवाई में बोले भाई साहब। चुवाई में जमा मोटीदार है रमेश भाई। मोटीदार है। हाँ। तो भाई ने जो गारंटी दिया भाई बिल्कुल मोटीदार है। पहले ब्यांत का क्या रिकॉर्ड है भाई? 14-15 किलो दूध दिया रमेश भाई। 14 से 15 किलो। हाँ। तो पहले ब्यांत का 14 से 15 किलो। 6 दांत जोटी है। 6 दांत है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो थे जान जोटी की हाइट भी भाई काफी बढ़िया। नशे हैं जो अलर के ऊपर, वो आपको काफी शानदार देखने के लिए मिलेंगी। और मेरे ख्याल में मुट्ठी के कार के बिल्कुल थन है। जो चुवाई के बारे में भाई बोलिया तो फोकीदार होनी चाहिए भाई, तो जमा थाना उन्हें देख के थोड़ा लग भी रहा। अपना घरे की है? हाँ, अपना घर की। जो इसकी मामू का के रिकॉर्ड था? या गामत ली थी इसकी मामू। गामत ली हुई है। कुछ रिकॉर्ड कार्ड का ना रिकॉर्ड तो नहीं करवा कोई बेर नहीं हूँ, कुछ पता इतने दूध दे। 17-18 किलो दूध नॉर्मल। 17-18 किलो नॉर्मल। तो यहीं पे खड़ी रहना, देखें भाई। तो नीचे से दिखा दूंगा पूरी तरह से कवर करके, देखें एक बार। तो क्वालिटी है भाई बहुत ही बढ़िया। अर्डर की जो चुड़ाई वो आपको काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगी। पुट्ठा आप देखें तो काफ़ी बढ़िया। तो मास्टर जी भी यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा उनसे भी एक बार बात करांगे। मास्टर जी राम राम। राम राम भाई। सभी दर्शक देख रहे हैं उनको भी, सभी को राम राम। ठीक है जी। तो काम कुम बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है जी। तो आपने जो टी कैसी लगी? आपके गाँव की जो टी जब भी आता हूँ तो काफ़ी बढ़िया दूध की दिखाई देती है। हाइट में कोई कम नहीं मिलती? ना कोई मिलती जी। तो ये तो गांव में है ना जी, 5 से 10 आदमी है जो ठीक पशु रख रहे हैं। ठीक पशु रख रहे हैं। हाँ ठीक पशु रख रहे हैं। और इसके पिताजी तो है ना सीधे पादरे है, जमा बिल्कुल सामने बैठे। सामने बैठे, ठीक है जी। ये बहुत शुरुआत से ही अच्छे पशु रख रहे हैं। शुरू से ही एक दो क्वालिटी बड़ी अच्छे पशु रखते हैं। इसके पिताजी ने एक बार बेची थी, कितनी थी वसूली लिखा था? 1,55,000 रुपए की। हमारे गांव में सबसे पहले इन्होंने बेची थी। इन्होंने बेची थी, इन्होंने बेची। तो बहुत बढ़िया। कम से कम उसको 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से ऊपर हो गए भाई। 1,55,000 की इन्होंने जोटी बेची, इन्होंने बेची थी। ठीक है जी। तो यानी कि मैं तो ये मान के चलता हूँ एक बहुत बढ़िया काम करने वाला, बहुत बढ़िया मेहनती पशुपालक है। आम जमा पशुपालक ना इनको किसी, ये तो शायद मेरे को जितना मालूम है ये वाइट ऐसे उच्च डालते हैं ना पशु को, खनिज मिश्रण वे भी नहीं डालते। वो भी नहीं डालते, वे भी नहीं डालते, बिल्कुल देसी तरीका तैयार कर। हाँ नाच पास भी देख सकते हैं। नहीं जी ठीक है, बात ले जाए थोड़ा आगे लेके जाए। तो देखे मास्टर जी दो थन थुण निकाल ले, बहुत अच्छी है ऑर्डर जो क्वालिटी है। थोड़ा लंबा जाने दे भाई, लाने दे। तो उसको देख करके आप क्या उम्मीद करेंगे भाई ने? जैसे बता भाई 17-18 किलो दूध नॉर्मल से दे दे भाई। इसके क्वालिटी को देखते हुए थन की और जिसका अड्र है पूरा खिंचाव के अंदर है नसों के, ठीक है तो ये समझ रहे कि 20 किलो दूध तो होना चाहिए। जो ठीक 20 किलो राम 20 किलो होना चाहिए। नहीं जी ठीक है भाई। तो उम्मीद आप लाकर चला क्योंकि पहला ब्यांत में भाई ने बताया और भाई ने देखो डिटेल भी ऐसी दे दी, बिल्कुल नहीं दिखता क्योंकि असली चीज नहीं, असली आदमी दबदा नहीं करेगा। असली बात दबे भी कोई नहीं की और वो सामने भी आएगा। सामने भी आएगा, ठीक है जी बात। ठीक है नहीं, हम तो झूठ बोल दें क्यों, मैं कह दिया तो, लेकिन गांव वाले ने भी पता है, रावर का भी जैसे कोई देखेगा तो फिर झूठ क्यों बोला? ना ना ठीक है जी। तो भाई ने जो जो इतना महंगा पशु लेगा ना वो दूध को देख के लेगा, दूध को देख के लेगा। लोग कहते हैं कि ये कर दिया फलाना कर दिया, अड़ंगा से कोई दूध बनेगा क्या? नहीं अड़ंगा था, ठीक है जी बात। नेचुरल तो नेचुरल नेचुरल बनेगा दूध तो, ठीक है जी बात।
तो मास्टर जी ने देखो भाई बहुत ही बढ़िया डिटेल दी है और बहुत ही बढ़िया जोटी अपने कैमरे के सामने। मास्टर जी इसीलिए बुलाया मैंने, जब भी मैं आऊँ भाई मास्टर जी का गांव में एक अच्छी जोटी अपन देखने को मिला और इंतजार भी करते हैं लोग जब रजली गांव कोई वीडियो आती है जी। अच्छा पशु जन आपने देखने मिला, अच्छा मिला जी। तो मास्टर का फार्म पे भी देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पशु खड़े हैं, तो वो अपनी भैंस अपन दिखाई दी एक बार, कितने दूध किया मास्टर जी को अपने घर वाले अपने फार्म पे? अपने फार्म पे जी अपने में तो 5-6 बार के निकाल के भी गए है, 26 किलो दूध था जी पिछले ब्यांत, पिछले ब्यांत में 26 किलो। हाँ जी, और इस ब्यांत में चौथे ब्यागी जी। जब भी कोई पशुधन ने लेके आते हैं भाई इसके गांव से, असली पशुधन आपने मेरा मास्टर के गांव से, मैं तो इस गांव का धन्यवाद करूंगा नाम पशुपालकों का जो ऐसे नगीने मेरे कैमरे के सामने निकाल कर लेकर आते हैं। और सभी भाई बार बार देखो वीडियो कवर करते रहते हैं तो काफ़ी अच्छी जोटी निकल कर के सामने आती हैं। और युवा लड़का है ये भी देखो, काफ़ी अच्छी मेहनत, कितने पढ़े भाई साहब आप? प्लस टू पास है तो 100 का भी डांगरा का बहुत बढ़िया। नहीं जी ठीक है जी, पशुओं का ये देखो गौ माता भी अपनी तो एक बार थोड़ा सा रेट करा लें मास्टर जी, इसका रेट कर दे लंबा लेके जाए थोड़ा सा। तो मास्टर जी ने भी देख किया भाई, क्योंकि मास्टर जी बहुत ही बढ़िया कलाकार है, मुरा वैश्याकार और अच्छी तैयार करा है, तो मास्टर जी ने भी ये कहा भाई 20 से थोड़ा नीचे नहीं रहनी चाहिए, 18-19-20 किलो दूध आराम से देना चाहिए। तो भाई साहब इस साइड में ले आए मास्टर जी के पास में आ जाए, तो करें रेट भाई साहब बताओ कितना रेट? मोलिश का 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये मास्टर जी, ये बताओ मास्टर जी ठीक है नहीं है? ना बिल्कुल दिमाग ठीक करे जी, जायज है। हाँ बहुत जायज करे जी, ऐसी ऐसी जोटियां देखा नहीं जी, लोग 4, 3.5, 5 तक की मोल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, एक घरेलू हिसाब से व्यापारी नहीं, इन्हें 2-80 ठीक किया जी। नहीं जी ठीक, और आए का है नहीं, मान सम्मान रखा जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो जो भी भाई लेगा भाई मान सम्मान रखा जाएगा। आज 14 किलो दूध नेट मिलेगा, 2 टाइम चोका कोई भी भाई लेके जाओ, 4 टाइम चलो जी। नहीं ठीक है, थोड़ा लंबा और जाने दे। और बाकी जो भाई बॉडी स्ट्रक्चर है वो मैंने सारे भाइयों ने बता दिया, बिल्कुल मुट्ठी के आकार के थन है, टाइट अडर में है, जो दूध आओ अपना 2-3 टाइम अपना तोलो चेक करके लेके जाओ। और मैं तो ये कहता हूँ भाई हाइट में किसी भाई ने सोचने की जरूरत नहीं चाहिए मास्टर जी, पूरी हाइट में, और गर्दन आप देखें जो चुड़ाई है वो काफी शानदार हो, आप देखें हाइट आप देखें मास्टर जी लोग खड़े हैं तो बहुत ही बढ़िया हाइट में जा रही है। मान के चलो अच्छा दूध निकालेगी जोटी तो कीमत नहीं जी, कीमत बहुत बढ़िया। तो एक बहुत बढ़िया जोटी मुर्रा नस्ल की मेरे ख्याल में, तेल है मास्टर जी, थोड़ी भी थोड़ी तेल चेक करो मास्टर जी, क्या जी पंचर बाल है, तेल चेक कर लें एक बार, जेड ब्लैक है जी, बिल्कुल जेड ब्लैक है। ठीक है बहुत बढ़िया, हाँ, बिल्कुल जेड ब्लैक फेस मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया भाई, जिस भाई ने लेनी देखें, जाने दे भाई जाने दे। तो काफ़ी बढ़िया तैयार होके आ रही है, और मैं तो ये कहता हूँ भाई सब भाई है ना पीछे लगाओ तो ब्याह भी पशु पे पीछे लगाओ, क्यों मास्टर जी? ये तैयार है जी, तैयार मेले पे चलने वाली है, नहीं ठीक है चलने वाली मेला पालो, चली भी नहीं भाई, 14 किलो दूध तैयार है, तो पूरी तरह अपना चेक कर ले ताकि किसी भाई ना कोई परेशानी ना हो। देखें बहुत बढ़िया, दो अडर की ऊपर से चढ़ाई मास्टर जी वो भी काफी शानदार काफी है जी, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। तो नीचे एक कटड़ी देखें, तूफान की बता रहे जी, तूफान की कटड़ी है, ठीक है जी तूफान की कटड़ी है। नीचे एक बार गाय और दिखा दें भाई साहब, छोड़ दे मैसे ना कोई बात नहीं बच्चा लो। तो गौ माता के बारे में बोले भाई साहब कितना दूध तैयार है? 13 किलो तैयार है रमेश, 13 किलो दूध तैयार है, सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम है बछड़ी है, तो काफी शानदार बछड़ी भाई। देखें यहीं से पता चल जाए गाय भी काफी शौकीन भाई के पास, नीचे इसकी बछड़ी आई है दूसरे ब्यात में, हाँ दूसरे ब्यात में 13 किलो दूध तैयार है, तो काफी बढ़िया 13 किलो दूध तैयार। ये बछड़ा ये पहले ब्यात का है, ये बछड़ा पहले ब्यात का, अपन एक शॉर्ट वीडियो, हाँ अपन ने शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसकी, किसी ने मांगा नहीं भाई साहब, ये ना इसकी डिमांड आई थी, फिर अपन थोड़ा ऑपरेशन करवाई दिया था, यानी कि खागड़ का बारह में आई थी, तो काफी बढ़िया बछड़ा भाई। देखें तो 2.5 लाख रुपये देने की कह रहे इसकी, 2.5 लाख रुपये, तो अपन एक इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी भाई, छोटा सा बच्चा था ये तब, और 2.5 लाख रुपये भाई ने जैसे बताया इस पर लगे भी थे, और जो आप निश्चित वो करवा दे करा मशीन लगवा दे करा, वो भाइयों ने लगवा दी थी, क्योंकि फिर गांव में नंदी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, इसी कारण उन्हें लिया नहीं होगा। हाँ। तो काफी बढ़िया, जिस भाई ने आप बेच रहे हैं आप ना भाई साहब, हाँ पे सेल कर देंगे, तो किसी भाई ने बुग्गी के लिए लेना हो तो ठीक है, हाँ बुग्गी खातर हो या रेस खातर लेना हो, नहीं जी ठीक है बात, रेस खातर या बुग्गी खातर जिस भाई ने लेना हो, थोड़ा खोलेंगे एक बार इसको लेके जाए साइड में। तो अब गाय के नीचे अब की बार बछड़ी आई है, हाँ गाय के नीचे अब की बार बछड़ी आई है भाई, देखें तो काफी बढ़िया, तो जाने दे आगे, तो जाने थोड़ा खुल के चलने दे, जाने दे, तो इस साइड में ले आए जाए, चलने दे पूरा चाल निकाल के दिखा दे पूरी, छड पीछे आके भाई साहब पीछे आके चलेगा,
ठीक है जी, बांधे बांधे, कोई बात नहीं, ले आए। और जिस भाई ने बात करनी है, भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, और एक बार कमेंट में ज़रूर बतावें ये रोटी आपने कैसी लगी। आशा करूँगा सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।